देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिलीशियस ऐसा केक तैयार हो गया है। और इसका रेसिपी जो है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए देखते हैं रेसिपी को। नमस्कार, वैशालीज रेसिपी एंड डेकोर में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही आसानी से बनने वाला केक देखेंगे। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या लग रहा है। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया हुआ है, 1 कप रवा लिया हुआ है, सूजी भी आप ले सकते हो। और यहाँ पर है 3/4 कप है शुगर मैंने ली हुई है, शक्कर। और यहाँ पे है 1/2 कप मैंने ऑयल लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया हुआ है। और यहाँ पर है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और मैं इसमें डालूँगी कुछ फ्लेवर्स, इलायची का फ्लेवर और केसर बादाम फ्लेवर। आप कोई सा भी फ्लेवर डाल सकते हो, वैनिला या जो भी आपको पसंद हो, स्ट्रॉबेरी। यहाँ पर मैंने एक पॉट ले लिया है और इसमें हम डालेंगे जो हमने शक्कर ली है वो शक्कर हम इसमें डाल देते हैं, और सूजी या फिर रवा, और इनको हम अच्छे से पीस लेते हैं। और यहाँ पर मैं इसको, इस पूरे मिश्रण को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसमें मैं डाल देती हूँ मैदा जो 1 कप हमने लिया था। इसमें हम डाल देंगे सोडा और बेकिंग पाउडर, और हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसको। अब हम डाल देंगे ऑयल जो 1/2 कप हमने लिया था वो हम इसमें डाल देते हैं। और मैं डाल दूंगी इसमें इलायची, 3 से 4 इलायची मैंने क्रश कर ली थी। देखिए केसर बादाम का इसेंस डाल दूंगी, और इसेंस को हम थोड़ा सा लेंगे। देखिए 1/2 टीस्पून भी काफ़ी है। और इलायची फ्लेवर अगर आप डाल रहे हो तो इलायची पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। आप दोनों में से एक डालेंगे तो भी चलेगा। और मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और मैं इसमें डालूँगी 1 कप दूध, मिल्क हम इसमें डाल देंगे। जैसा जैसा लगता है हम वैसा डालेंगे, वैसे तो पूरा लगेगा ये। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और कुछ भी लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए ये। ये देखिए बचा हुआ पूरा दूध हमने इसमें 1 कप दूध डाल दिया है, मिल्क डाल दिया है। इसको हम बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से, ये कंसिस्टेंसी इसकी बहुत अच्छे से आई है, देख लीजिए। ये इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। और दूध जो था वो मैंने पहले गरम कर लिया था, फिर हल्का वार्म जब रहता है दूध, हल्का गुनगुना, तब मैंने इसमें डाला था। और जिस भी पॉट में हमको लगाना है वो पॉट हम ले लेंगे, उसको हम थोड़ा सा उसमें ऑयलिंग कर लेते हैं ताकि ग्रीसिंग हो जाएगी और जो हमारा केक है वो उसको चिपकेगा नहीं। देखिए इस तरह से साइड से सब जगह मैंने ग्रीसिंग कर ली। और हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा मैदा। मैदा से हम थोड़ा डस्टिंग कर लेंगे ताकि जो केक है हमारा ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं। इस तरह से देखिए सब सारे साइड में ये डस्टिंग हो जानी चाहिए। डस्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और ये जो मिश्रण है मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये मिश्रण जो है हमारा तैयार है। मैं इसमें थोड़ा सा टैप करती हूँ ताकि इसमें बबल्स ना आए। ये मैंने ओवन में रख दिया है, अगर आपके पास OTG है तो आप उसमें भी कर सकते हो। देखिए केक के 35 मिनट ये हो चुका है, और ये बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हो कलर भी आया हुआ है। और अभी मैं इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, मैं इसको खोल लेती हूँ। और देखिए केक जो है हमारा तैयार है, और ये बहुत अच्छा बना है। चलिए इसको काट लेते हैं थोड़ा।
केक जो है ये बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, मैंने इसको खा के भी देखा है। इस केक को आप जरूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिलीशियस ऐसा केक तैयार हो गया है।